ये राजेश कश्यप जी हैं, ये खास तौर से फेरी लगाते हैं और ये देख रहे हैं खास तौर से जो है कि ये खोए गुजिया बोलेंगे, खोए गजक बोलेंगे और साथ साथ इसको रेवड़ी रेवड़ी भी बोलते हैं। ये बरेली का जो है प्रसिद्ध मिठाई का जो है व्यंजन है और ये खास तौर से मरुआड़ी, आशापुर और टेटी फार्म और उसके बाद जो है कि बहुत जगह यहाँ पर बना कर घूमते हैं। ये भैया जी हैं राजेश कुमार कश्यप जी, ये घूमते हाँ और ये बरेली से आए हैं। इनका जो है गजक जो है खा के हम देखेंगे कैसा स्वाद है। बताते हैं कि इसमें खोया भरा रहता है और उसके साथ जो है इसमें तिल भरा होता है और चीनी होती है मीठी वाली। क्या नाम है भैया आपका? राजेश। राजेश कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली जो आप बेच रहे हैं इसका क्या नाम है? खोआ का गुजिया है। अच्छा, आप मुँह जैसे कहीं जाते हैं तो खोआ का गुजिया बोलते हैं? खोआ के गुजिया बनते हैं, रेवड़ी भी बनते हैं खोआ का। अच्छा, खोआ का रेवड़ी भी बोलते हैं। पहले ही बात बरेली में गजक बोलते हैं खोए का। अच्छा, और इधर जो चलता है इधर खोआ के गुजिया बोलते हैं। तो मतलब जैसे बरेली में, बरेली का मतलब प्रसिद्ध व्यंजन है ये? प्रसिद्ध है वहाँ, बरेली में ज़्यादा बिकता है बरेली में। खोए क्या गुजिया या तो रेवड़ी बोलते हैं? खोए की गुजिया सब मेवे से भरपूर है। क्या बोल रहे हैं? सब मेवे से भरपूर है। अच्छा, सब मेवे से, मेवे मेवा खोआ तिल्ली चीनी इलायची और सब आइटम पड़ते हैं इसमें। अच्छा, मेवा पड़ते हैं इसमें। अच्छा, ऐसी बात। तो बरेली में कहाँ रहते हैं? बरेली में पीतम्बरपुर। पीतम्बरपुर में रहते हैं। हाँ। यहाँ पर कब से वर्क कर रहे हैं? 8 साल। अच्छा, कहाँ कहाँ फेरी लगाते हैं आप यहाँ? फेरी तो मतलब लंका है, पोल्ट्री फार्म है और उसके बाद में गोलगड्डा है, आशापुर है। मरुआड़ी में कब कब लगाते हैं आप? मरुआड़ी में तीसरे दिन लगाते हैं। तीसरे दिन मतलब कि बुधवार को? हाँ। बुधवार को लगाते हैं। बुधवार आपका टाइम क्या होता है? टाइम वो रात ही होता है, 5 बजे निकलते हैं बेचने। अच्छा, कब बजे तक? 10 बजे तक, 11 बजे तक? 10 बजे तक बेचते हैं। तो ये जो आइटम बनाते हैं खोए का, तो इसको खोए का गुजिया बोलते हैं। तो मतलब जो है कि ये घर पर ही बनाते हैं? घर पे बनाते हैं, घर बना के उसके बाद बेचते हैं, कारीगर बनाता है सर। और ये जो है बाहर लेके फिर घूमते हैं? हाँ। और कोई दुकान का स्थाई नहीं है? नहीं, चल, मतलब, चलते फिरते बेचते हैं। मतलब फेरी वाले? फेरी वाले। अच्छा, और कैसे किलो है ये? 280 रुपये। 280 रुपये। अच्छा, एक चीज निकाली खिलाइए हमको। इसी को जो है कि मतलब रेवड़ी बोलते हैं? रेवड़ी बोलते हैं, गुजिया भी बोलते हैं, खोआ का गजक भी बोलते हैं। हाँ, खोए का गजक, गजक बोलते हैं, खोए का गजक, गजक बोलते हैं। और अपना एक बार नाम बता दीजिए। राजेश कश्यप। राजेश कश्यप, ये राजेश कश्यप जी हैं, ये खास तौर से फेरी लगाते हैं और ये देख रहे हैं खास तौर से जो है कि ये खोए गुजिया बोलेंगे, खोए गजक बोलेंगे और साथ साथ इसको रेवड़ी बोलते हैं। ये बरेली का जो है प्रसिद्ध मिठाई का जो है व्यंजन है और ये खास तौर से मरुआड़ी, आशापुर और टेटी फार्म और उसके बाद जो है कि बहुत जगह यहाँ पर बना कर घूमते हैं। तो ये भैया जी हैं राजेश कुमार कश्यप जी, ये घूमते हैं। हाँ, और ये बरेली से आए हैं। इनका जो है गजक जो है खा के हम देखेंगे कैसा स्वाद है। बताते हैं कि इसमें खोया भरा रहता है और उसके साथ जो है इसमें तिल भरा होता है और चीनी होती है मीठी वाली। अच्छा, गुड़ भी बनाते हैं? गुड़ का आज रखते नहीं? नहीं, आज नहीं। आज नहीं। मतलब कैसे किलो है? 280 रुपया किलो बेचते हैं। ये चीनी का भी है, गुड़ का भी होता है। तो कभी भी आपको अगर लेना हो एक बार खाइएगा, खा के देखते भी स्वाद कैसा है इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें खोया पड़ा हुआ है और ये जो है कि इसमें खोया पड़ा हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं और 280 रुपया किलो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। कभी अगर आपको लेना हो तो राजेश कुमार कश्यप जी के पास। कभी अस्थाई आपका कोई चीज़ नहीं है? अस्थाई कहीं रहते नहीं आप? नहीं, चलते रहते, चलते आप रहते। कैंड भी मिल सकते हैं और मतलब लंका भी मिलता है उनका, अगर अगर भी मिल जाता है। अगर मतलब मरुआड़ी कभी आपको लेना हो तो कैसे मिलेगा यहाँ पर? दुकान मिल जाती है। किस दिन यहाँ लगाते हैं मरुआड़ी बताइए? तीसरे दिन लगाते हैं। जैसे कि आज के दिन जो है ये मरुआड़ी लगाते हैं
और कभी अगर लेना हो तो जो है इनका मोबाइल नंबर हम आपको दे देंगे अपने लिंक में, कभी भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलता फिरता जो है कि इनका जो मोबाइल सर्विस है फूड का, ये बरेली की प्रसिद्ध मतलब व्यंजन है खोए का, कभी भी लेना हो तो इनसे बात करिएगा, संपर्क करिएगा, हम लिंक में इनका फ़ोन नंबर दे देंगे। और कभी अगर ज़रूरत पड़े तो बुधवार को 7-8 के बीच में या 6-7-8 के बीच में माखन भोग दुकान पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं, माखन भोग दुकान मिल जाए। जैसा कि देख रहे हैं ये दुकान है, तो यहाँ पर भी संपर्क करेंगे तो आपको इनके बारे में मिल जाएगा, हाँ यहाँ पर मिल जाएगा, बात करेंगे तो मिल जाएगा। एक बार जुड़ लीजिए, खिचड़ी का समय भी आ रहा है, मकर संक्रांति का समय आ रहा है, एक बार जुड़ इस गजक का प्रयोग करिए, बरेली की मिठाई का प्रयोग करिए, हम तो खा के बहुत इंप्रेस हुए हैं और बहुत मस्त लगा दोस्तों। एक बार जरूर इनका ट्राई करिए, राइस पर कसर ठीक है, ऐसी मिठाई खाए नहीं होंगे क्योंकि ये गजब है, अजब भी है, गजब भी है, क्योंकि इसमें खोया जरूर भरा हुआ है और 280 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार जरूर इनका मतलब आप खाइए हमारे कहने पर। और धर्मपुरी में एक बार फिर स्वागत दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और ये चलते लोग हैं जो बहुत मतलब छोटे मतलब कि स्तर के दुकान लोग का होता है, बहुत बड़ा बजट नहीं होता है, लेकिन इनका जो स्वाद लेंगे आप इस चीज़ का तो ये बहुत मस्त लगेगा दोस्तों। एक बार जरूर आप ट्राई करिए, खाइए। और ये जो है कि तिल का गजक कहेंगे या खोए का मतलब ये भुजिया कहेंगे और या तो इसको रेवड़ी भी कहेंगे। ये बरेली का सुप्रसिद्ध मिठाई है दोस्तों, एक बार जरूर राइस बार कसब से आप मिलिए और खाइए मिठाई। फैंटास्टिक, बढ़िया और मस्त है दोस्तों। राजेश कश्यप, आप फोन नंबर बोलिए। राजेश कश्यप, हमारा नाम है 63944-7-31-50। ये रेवड़ी है, ये गोल वाला है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये भी तिल की ही मिठाई है। और उसके बाद ये गुजिया टाइप का छोटा इस्माल है, देखिए ये भी है। और इसको खास तौर से जो है कि इसमें जो सफ़ेद तिल लगाए हैं, कभी इसमें ब्लैक वाला भी तिल लगाते हैं क्या? नहीं, ब्लैक वाला नहीं लगाते हैं। तो गुड़ का तिल, गुड़ का मिठाई कब खिलाएंगे हमको? गुड़ का लेके आएंगे, वो 280 रुपया किलो है। हाँ, वो भी एक ही रेट है। तो भैया जी का देखिए, मतलब राय सर कश्यप जी का ये बेचते हैं, कभी भी खाना हो तो मोरवाड़ी में संपर्क करिए, बुधवार को ही मिलेंगे आपको। और ये खिचड़ी पर खाने लायक बहुत ही मस्त दोस्तों, गजक मिल सकता है, तिलकुट भी मिल सकता है, उससे बढ़िया मिल सकता है। अच्छा, वो भी लगाएंगे उसको, काजू का तिलकुट? वो कब लगाएंगे उसको? मतलब काजू के तिलकुट कोई ऑर्डर देता है वही मिलता है। अच्छा, ऑर्डर देता है, ऐसे नहीं लेके बेचते हैं, महंगा पड़ता है। अच्छा, कोई ले नहीं पाता ज़्यादा, 7-8 रुपये किलो मिलता है। लेकिन बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया हमको लगा खाने में, एक बार जरूर इसका प्रयोग करिए आप, लीजिए एक नंबर। बरेली का खोए का गुजिया तो बहुत ही स्वादिष्ट था दोस्तों, और साथ साथ इतना मुलायम और मज़ेदार था, और सफ़ेद तिल से भरपूर था दोस्तों। इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले। अब अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.